कैसा लग रहा है आपको? मैंने माइक पे ना भाई देवे इसलिए कैसा लगा? इट्स अ गुड फीलिंग टू विन अ गेम लाइक दिस. और ऐसा बैटिंग कर रहे उसका बताओ, ये क्या मतलब इतना ऐसा वो प्लेस्टेशन वाला फीलिंग आ रहा है? मैं पिछले दो साल से ऐसे ही कोशिश कर रहा हूँ बैटिंग करने का, क्योंकि विकेट्स इतना अच्छा है. सो आई वांट टू प्ले माय शॉट्स. आई नो आई मिस्ड आउट ऑन 100 टुडे. वो माइंड. मैं एक बात बताऊँ, हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जब हमें चौके पड़ते हैं और फिर आज ऐसा बैटिंग होता है तो ऐसा लगता है हम एज ए बॉलर बोल पाते हैं यार हमने तो ठीक ही बॉलिंग डाला. Exactly. तो अभी हमारे टीम में काफी कन्वेंशनल प्लेयर भी है तो किसी ना किसी को गेम को चेंज करना पड़ेगा थोड़ा. और वो सेलिब्रेशन क्या था? नहीं, वो मुझे पूछ रहा था कि इतना लंबा चक्का कैसे मारते हो, ये तेरा बैट में ये है कुछ है. मैंने बोला बैट नहीं भाई, पावर है. थैंक यू, वी एंजॉयड इट. हाय राहुल सर. थैंक यू सर. ये बुमराह को पूछते हैं कि इनका बॉलिंग का राज क्या है. जसप्रीत बुमराह किधर है? जड्डू क्या कहना चाहोगे? अच्छा फोन पे तो फोन कापो. क्या कहना चाहोगे आप? इतनी सरलता के साथ बॉलिंग डाल रहे हैं कि जो क्या क्या रीजन है? बहुत अच्छा लगा. हम लोग ने जब 155 पे दो था और वहाँ से 190 में आउट किया, उसके बाद बहुत ही अच्छा हमने कमबैक किया एज ए बॉलिंग यूनिट. यस, हमने जैसे बोलते हैं ना हंट इन पेयर्स, हमने पेयर्स ने हमने डबल पेयर्स में हंट किया. सबने लिया, सबने लिया, सबने दो दो लिया. अरे बैटिंग कोच भी इधर आ जाओ. अरे बैटिंग कोच ये क्या एकदम सब हम देख रहे हैं वैरायटी में रन हो रहे हैं, कोई एकदम एग्रेसिव जा रहा है, कोई एकदम सरलता के साथ खेल रहा है, क्या रीजन है? क्या आप सिखा रहे हैं ऐसा हम लोग को कि हम इस तरीके से बल्लेबाजी कर पा रहे हैं? सबको फ्रीडम दिया है इस बार. क्या बात कर रहे हो, वो तो सही बात है. उसका रीजन क्या है? तू बोला है खेलना चाहिए, तेरी सजेशन थी, वी फॉलोड दैट सजेशन. सिराज आइए, आपसे भी एक दो सवाल पूछना चाहेंगे हम. कैसा लगा आज का माहौल? पहली बात तो माहौल, फिर आपने जब बॉलिंग में भी एक दो चौके पड़े उसके बाद आपने लेंथ चेंज की, क्या रीजन? पहले बात तो फर्स्ट टाइम मैं इंडिया में इंडिया पाकिस्तान का मैच खेल रहा हूँ, फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप खेल रहा हूँ, तो नर्वसनेस बहुत ही हाई थे. अच्छा. और प्रेशर भी था. बट मैंने और रोहित भाई से बात किया था, जो अब्दुल्ला शफीक की जो विकेट थी, क्योंकि इससे पहले मैं एक बाउंसर डाला था वो उन्हें थोड़ा गया नहीं, वो थोड़ा हाँ. तो फिर उसके बाद हम दोनों ने थोड़ी देर बातचीत की तो उन्हें समझा कि वो बाउंसर ही आने वाला है. तो आपने उनको थोड़ा ट्रिक मास्टर कर दिए. तो ऊपर डाला तो LBW मिला, तो बहुत ही अच्छा लगा वो. और अपने जसप्रीत बुमराह इससे दिखाए, मैं नीचे उनको वही बोला कि जसप्रीत बुमराह जो बॉलिंग डाल रहे वो हमको, मैं बोला हमको बोलने, वो एक्शन से वर्ड काम करते हैं, मतलब वो इतना हमको दिखा बातचीत नहीं करते हैं, वो लेजेंड है वो. लेंथ पे डाल के उन्होंने दिखाया, बॉल से बात करते हो ज्यादा, हम लोग से बात नहीं करते, वो बॉल से बात करते हैं, जो भी करना है उन्होंने एक्शन से दिखाया. मैं भी नीचे बोल के आया कि मतलब वो बॉलर का ऐसा है कि अगर वो जगह पे मतलब उनको चौका पड़ा पहले फ्लिक में, उसके बाद वो समझ गए कि आगे वाला गेम ही नहीं है, पीछे डालेंगे अपना धीरे स्लोर बॉल. लेजेंडरी बॉलर है वही ना, ये बूम लेजेंड. Love you, brother. हमारे लेजेंडरी बॉलर जसप्रीत बुमराह, आइए एक दो सवाल पूछना है आपसे. आप आइए इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ. ये इतने हम्बल हैं कि बेचारे कैमरा के सामने नहीं आता. जसप्रीत बुमराह आप हम एक बताऊं, अभी जस्ट बात कर रहे थे कि आप अपने एक्शन से बात करते हैं. आपने जब लेंथ चेंज की, जब चौका पहले बार पड़ा आपको फ्लिक के बाद, क्या आपने क्यों लेंथ चेंज किया और क्यों आपको लगा कि यार ये विकेट में ऐसा नहीं है, आप जगह पे आ जाइए? क्योंकि मैं ये ग्राउंड पे बहुत क्रिकेट खेला हूँ, जूनियर क्रिकेट, एंड थोड़ा फ्लैटर विकेट था, तो मैंने वो एक्सपीरियंस को यहाँ यूज़ करने की कोशिश की कि चार चौके खाने से पहले सीखना ज़रूरी है कि एक चौका के बाद ही थोड़ा रियलाइज़ करें कि विकेट में है कि नहीं, क्या लेंथ डालना है, क्या विकेट में अच्छा है, और वही कम्युनिकेट करने की कोशिश कर. और एक वन एक सवाल आपसे, हमने बोला कि यहाँ पर जूनियर क्रिकेट बहुत खेला है और ग्राउंड नया हो गया, लेकिन तो भी चलो कोई दिक्कत नहीं, बट ये मैच छोड़ दो. हाँ दिल्ली में तो कहाँ आपने की खेले हो, वहाँ पर तो ज्यादा मैच खेले नहीं है आप, क्योंकि वहाँ पर आपने इतनी अच्छी बॉलिंग की है, वहाँ पर अपना वेरिएशन भी किया, बाउंसर भी ट्राई किए, और जो आपने एक भी ड्राइव का चौका मैंने नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा.
तो वो आईपीएल तो खेले ना वहाँ पे, आईपीएल की मैचेस है। यही है इनका, इनका जो ये जसप्रीत बुमराह है इसलिए कि वो भूलते नहीं है। 11 साल से आईपीएल खेल रहे हैं, 11 भूलते नहीं है वो। ये देखो एमओएम कैसे मिला है, देखो मैन ऑफ द मैच पकड़ो आप, आपकी है ये ट्रॉफी। उसका एक्सपीरियंस यूज करने की कोशिश की, फ्लैट विकेट में यूजुअली सब जगह फ्लैट विकेट में क्या करते हैं हम, बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन, एक हक दे, ग्रुप हक बनता है।